वैसे विदाई सॉन्ग के बारे में आप, मतलब जो आपने कंपोज किया है उसके बारे में आप कुछ बताइए सर, क्या क्या सोच के आपने वो बनाया और कंपोज किया? विदाई सॉन्ग को मैंने ऐसे कंपोज किया कि बस मेरे मन में ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इतने सॉन्ग आए हैं, छोड़ बाबुल का घर आज पी के नगर, आज मतलब जो गाना है तो उसके बारे में, फिर बाबुल की दुआएं लेती जा, फिर अमीर खुसरो साहब का एक बहुत अच्छा है कि काहे को ब्याही बदेस रे लखिया बाबुल मोरे। तो मैंने कहा क्यों ना, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि कुछ विदाई सॉन्ग मैं बनाऊं, और फिर मैंने उबेद भाई से इसका मशवरा किया। मैंने कहा उबेद भाई ऐसा ऐसा कुछ है, तो उनका ठीक है बना सकते हैं। तो मेरे थॉट तो मन में यही था कि अगर मैं विदाई सॉन्ग बनाऊंगा तो मैं ब्रिज जी से गवाऊंगा उसे। वाह वाह वाह, मतलब ये सोचा था, ये मेरी प्लानिंग थी पहले से ही। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं उबेद भाई लिखेंगे या दूसरा कोई भी मतलब लिखे और कंपोज मैं करूं तो मैं इनसे ही गवाने वाला हूं, ये मैंने सोचा था। तो उबेद भाई से मेरी बात हुई, उबेद भाई बोले क्या मेरे पास रेडी है, मेरे पास तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कुछ मतलब विदाई सॉन्ग्स भी हैं, कुछ सेरे भी हैं। तो खैर मुझे वो विदाई सॉन्ग इनका पसंद आया, वो मैंने कंपोज किया। कंपोज सुन करके फिर मैंने मैडम को सुनाया, मैडम तो बहुत खुश हो गए कि लगे ये तो बहुत अच्छा आपने बनाया है, और चलिए आज़म जी इसका कुछ करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर मैंने और आगे कुछ काम किया उसका, कुछ कंपोजिशन और बनाई, फिर मैडम को बताई, तो एक दो बनाई, तो फिर मैडम ने एक उसमें से मुझे पसंद की कॉम्पोजिशन गाना भी लिख गया इनका। अब मैडम ने उसको गाया है, बहुत अच्छा गाया है, और वो शायद किसी फिल्म में या तो कहीं भी मतलब ऐसी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं वो जाएगा ज़रूर। और उबेद भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, इनफैक्ट मैडम ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा जितनी गया, मेरी वाकई उम्मीद बहुत थी, जितना मैं अच्छा। सोच रहा था कि मतलब उसको किस तरह गाना चाहिए। क्योंकि विदाई सॉन्ग कुछ गाने ऐसे होते हैं कि हर आवाज़ में फिट नहीं होते हैं, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वॉइस होती है, तो मैडम की वॉइस एकदम डिफरेंट। तो मैंने मन में सोचा कि ये गाना मैडम से अच्छा कोई नहीं गा पाएगा इस गाने को, हाँ सही, क्योंकि कुछ गाने ऐसे कि इला जी ने बड़े अच्छे गाए, इला अरुण जी ने, और भी बहुत सारे जो रेशमा जी लंबी जुदाई, इतने अच्छे जगह। तो क्या जॉनर जो है तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसी कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आती हैं, वही है आवाज़ का पूरा स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैडम से गवाते, मैडम ने बहुत प्यारा गाया है और उबेद भाई ने हमारे बहुत अच्छा नहीं लिखा है। बहुत अच्छा है। इन्होंने जब वो कंपोजिशन तैयार की उसकी, वाह तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास कोई विदाई सॉन्ग हो तो बताइए। तो मैंने दो चार जो लिखे थे वो मैंने हुजूर को भेज दिए। तो उन्होंने फिर कहा नहीं यार ये नहीं, ऐसा कि ये ट्यून मैं देता हूँ, इस पे आप लिख दीजिए। तो फिर मैंने आपके हुक्म के मुताबिक जो है ट्यून पर लिखा, और इनका बड़ापन है कि उन्होंने पसंद कर लिया उसको। और मेरे जहन में एक बात ये थी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि वो छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा, या बाबुल की दुआएं लेती जा, या इस तरह के जो दूसरे बहुत से मशहूर सॉन्ग थे उस ज़माने में, बहुत से तो नहीं, चार पांच जो बहुत मशहूर हैं, तो वो 50s या 60s में आए, उसके बाद फिर वो चलन ही एक तरह से ख़त्म हो गया, या आया भी तो ऐसे ही बराए नाम सा कोई गाना आया और चला गया। लेकिन जब इन्होंने अपनी कंपोजिशन पूरी तरह से सुनाई तो जी चाह कि कुछ लिखा जाए, और जितनी मसलाहियत तो उसमें सर्व कर सकता था अपने शेरी एतबार से, शायरी के एतबार से, तो मैंने लिखा और ब्रिज जी ने गाया बहुत शानदार, बहुत अच्छा गाया। पसंद आएगा कि बाबुल की छूटे है जहाँ बाबुल की छूटी है छाँव रे, जाती हूँ साजन के गाँव रे। बहुत वाह खूबसूरत कंपोजिशन है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाया गया है गाना, आप लोग देखिएगा ब्रिज सुनिएगा। जी से आपसे थोड़ा सा कुछ मैं चाहूंगा कि बताइए इस गाने के बारे में कुछ, थोड़ा सा और साथ में सुना भी दीजिए सुना भी दो लीजिएगा थोड़ा सा। लाइन। ये एक्चुअली कंपोजिशन भेजी और दो लाइनें भेजी आजम भाई ने, तो कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया लगी। और जब मैंने कहा इसके पूरे लिरिक्स भी भेजेंगे तो और अच्छा रहेगा, और किन्होंने लिखा है, तो आजम जी ने बताया कि ये उबेद आजमी जी हैं और बहुत अच्छे, बहुत बड़े शायर हैं। मैं कहा ये मेरी खुशकिस्मती जो उबेद भाईजान का लिखा हुआ गाना मैं गा रही हूँ। तो लिखा आपने बहुत खूबसूरत,
आजम जी ने उसमें म्यूजिक बनाया, वो और खूबसूरत बन गया, और उसको मैंने गा दिया और तो ऐसा है ये, तो हमें सुना भी दीजिए खूबसूरत। बाबुल की छूटे है छावरे, जाती हूँ साजन के गाम रे, बाबुल की छूटे है छाँव। क्या बात, क्या बात, जान डाल दी आपने। और आपका सफर अभी कहाँ से और कहाँ तक का सफर है, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब मैं खुद पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ ये चीज। कहाँ से चला था, कहाँ से चला था,